माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट के आदेशानुसार उन्होंने आदेश दिए थे कि जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है यहाँ पे वाटर कूलर नहीं है, और एक बाथरूम की उन्होंने कहा था कि जो बाहर बाथरूम बना हुआ है उसकी अच्छी तरह सफाई करवाई जाए और उसको इस लायक बनाया जाए कि बाहर के लोग भी यूज़ कर सकें। तो उसी निरंतरता में हमने NGO से अनुरोध किया था कि हमें एक वाटर कूलर दिला दें। तो आप देख रहे हैं कि एक वाटर कूलर अभी हमारा लग गया है और एक नीचे भी वाटर कूलर हमारे पास पहले और जगह से शिफ्ट करके जो ख़राब था उसको ठीक करा के लगा दिया गया है। तो इस बिल्डिंग में हर फ्लोर पे एक वाटर कूलर, ठंडे पानी की व्यवस्था है वो कर दी गई है। इसके अलावा बाथरूम जो था, जो सरकार के सहयोग से बना हुआ था हॉस्पिटल के बाहर बिल्डिंग में, उसको भी हमने ठीक करवा दिया है। अब वो बिल्कुल सही अवस्था में आप उसको भी देख पाएंगे। तो इस तरह से लगातार सरकार का प्रयास यही रहता है कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ठंडा पानी हो, बाथरूम हो या मरीज से रिलेटेड कोई भी व्यवस्था हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं सरकार निरंतर प्रयास रहती है और हम उसको करते भी रहते हैं। और मैं इसी कड़ी में आपको एक बात और बताना चाहूँगा साथ के साथ कि अभी सरकार एक 100 दिन अनीमिया मुक्त हरियाणा का प्रोग्राम चला रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यही बताना चाहता हूं कि आप जो है, जो अनीमिया का सबसे बड़ा कारण हरियाणा में खाने के साथ दूध पीना है, तो कृपया करके सभी माँ बाप जो बड़े लोग हैं इस बात पे ध्यान दें कि खाना जब आप खाते हैं तो उसके साथ दूध ना पिएं, 1 घंटे का गैप रखें। अदरवाइज़ खाने का जो आयरन और दूध का कैल्शियम दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दोनों ही अंदर नहीं जाते। तो 1 घंटे का गैप जरूर रखना है खाने में और दूध पीने में। और इसी तरह जो लोहे के बर्तन हैं उसमें खाना बनाएं। अगर हम ये 2 काम भी कर लेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग अनीमिया से ठीक रहेंगे।